क्लास 10th का चैप्टर 6 पढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी जय परकरम। जय परकरम, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, वहन है, उत्सर्जन है, या ये सभी प्रोसेस को करने के लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना एनर्जी के ये अपना कार्य नहीं कर पाते और इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तो हमारे शरीर में सभी परकरम जो इकट्ठे मिलकर हमारे शरीर के कार्य करने में हेल्प करते हैं, उसे जय परकरम कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। जय परकरम, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ प्रोसेस परफॉर्म करती हैं अपनी बॉडीज के द्वारा, जैसे ग्रोथ है एनिमल्स में, प्लांट्स में, उत्सर्जन भी करते हैं एनिमल्स प्लांट्स, रेस्पिरेशन श्वसन भी लेते हैं दोनों ही, सर्कुलेशन भी होता है। तो अलग अलग तरह के जो प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन डाइजेशन आपस में मिलकर जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को अलाइव करते हैं, जिंदा रहने रखने में हेल्प करते हैं और उसकी बॉडी मेंटेन करने में भी अलग अलग कार्य करते हैं, उसे जय परकरम कहते हैं। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया गया है, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और ये सारे जय परकरम हैं। इनको करने के लिए, हमारे इन सभी प्रोसेस को करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता होती है, और जिसको हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पोषण है दो तरह का है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी, जैसा कि आप प्लांट देख रहे हैं, प्लांट सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली हवा से, पानी लिया जड़ों से, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। तो जो जीव या जीव जंतु अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी या स्वपोषी कहते हैं, और वो अपना भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरे पौधे। उसके बाद आता है विषम पोषी या परपोषी। जैसे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर जो घोड़ा है वो क्या खाएगा, घास खाएगा, लेकिन घास घोड़े ने खुद सिंथेसाइज नहीं की, वो पौधा है, एक पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन ये जो घोड़ा है वो अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर करता है, तो उसे विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं कि जो स्वयं पोषी है और पर विषम पोषी जीव है उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले जो स्वपोषी जीव है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन परपोषी नहीं बनाते। स्वपोषी के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए, लेकिन परपोषी या विषम पोषी को खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, स्वपोषी जीवों को सनलाइट ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन विषम पोषी जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता। चौथा पॉइंट, जो स्वपोषी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन विषम पोषी उपभोक्ता होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्वयं पोषी या स्वपोषी का ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। इसी तरह विषम पोषी में एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगी। नेक्स्ट आता है, पोषण कितने तरह का होता है। दो तरह का पोषण होता है, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो जो स्वपोषी पोषण है, ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना भोजन अलग अलग अकार्बनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके और लाइट एनर्जी यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन जो विषम पोषी पोषण है वो अपना भोजन और डाइजेशन के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं इसमें, जैसे चीता है, ह्यूमन बीइंग्स है, इंसेक्ट है, या फंगी है, या मशरूम जैसे दिख रही है, अलग अलग पौधे हैं जो हेटरोट्रॉप्स हैं जो सर्वाइव करते हैं दूसरों पर अपने भोजन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे इसमें जो अभिक्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है इसके लिए घटक, और वो शुगर और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है।
जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होता है इसके लिए स्टोमेटा के बारे में हम बात करते हैं, जो पत्तों के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स छिद्र होते हैं, जो सरफेस पे दोनों साइड छिद्र हैं वो छिद्र स्टोमेटा है। और जो किडनी की शेप में जो बीन शेप सेल्स आपको कोशिका दिखाई दे रही हैं वो गार्ड सेल्स है, रक्षी कोशिकाएं हैं। और रक्षी कोशिकाएं ओपन और क्लोजिंग स्टोमेटा को ओपन और क्लोजिंग करने में हेल्प करती हैं। और इनका कार्य क्या है कि ये ट्रांसपिरेशन में या गैसेस के एक्सचेंज में, ट्रांसपिरेशन होता है पानी जो निकलता है पत्ती में से उसको लॉस करने में या गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है विषम पोषी पोषण। ये तीन कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, एक सेप्रोफिटिज्म होता है, एक पैरासिटिज्म होता है। जो होलोजोइक है उसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे पीचर प्लांट होता है, घटपर्णी एक पौधा होता है जो कि इंसेक्ट्स को अपने घड़े के अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर फीड करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको एंड देन एब्जॉर्ब इन देयर बॉडी, जैसे ह्यूमन है। इसी तरीके से सेप्रोफिटिज्म होते हैं, वो जो फीड करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, गले सड़े पत्ते या जो सब्सटेंसेस होती है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब उस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्सटर्नली। न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने से पहले उस फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। ये न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ये पैरासाइट्स लिविंग होस्ट जो होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे अमरबेल देखी होगी आपने, अमरबेल वो पौधे के ऊपर सर्वाइव करती है, जो एक होस्ट है वो लाइव चीज़ है। तो ऐसे फ्लीज है, लाइस है, जैसे हमारे बालों में लाइस हो जाती हैं, जुएं हो जाती हैं, तो जुएं भी वो लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग के अंदर ही होस्ट भी लिविंग बॉडी है। तो इस तरीके से पैरासिटिज्म है वो वहाँ पर दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव दो तरह के हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में हम अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा को कहीं भी इन्वायरमेंट में फूड पार्टिकल दिखता है वहीं पर वो अपना जो सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया मतलब पादाब या कूटपाद बोलते हैं इसको हिंदी में हम, सूडोपोडिया को एक्सटेंड कर देता है और फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद जैसे ये कैप्चर करता है फूड को, वो फूड वैक्यूल बन जाता है, वहाँ पर रिक्तिका बन जाती है भोजन की, और वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है उस फूड को, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और जो डाइजेस्ट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको दोबारा फूड वैक्यूल के अंदर सेग्रीगेट कर देता है एंड देन इट मूव इट टू द सरफेस ऑफ द सेल और बाहर उसको सरफेस पे फेंक देता है। तो जब सूडोपोडिया भोजन को ट्रैप करता है उसको इंजेशन कहते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको डाइजेस्ट हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन। तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं फूड के जो कि अमीबा के अंदर होते हैं। उसके बाद आते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी में पाचन कैसे होते हैं, तो मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होते हैं, तो इसके डिफरेंट बॉडी पाचन तंत्र के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स को, उन पार्ट्स को आपको लेबल भी करना है, इस डायग्राम को बनाना है और लेबल करना है। तो जैसे आप देख रहे हो इसमें, जैसे ही माउथ के अंदर फूड पार्टिकल आता है, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक एंड देन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन बड़ी आंत, और लास्ट में ये वेस्टेज की फॉर्म में बाहर है वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। तो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, टंग है, एपिग्लोटस है, इसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लेडर है, स्टमक, पेनक्रियास, कॉलन, रेक्टम, एनस। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स हैं हमारे पाचन तंत्र के, उसको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो जीवा, जीभ मतलब मुंह, जो इसोफेगस उसको ग्रसिका कहते हैं, स्टमक को अमाशय बोलते हैं, जो गोल ब्लेडर है उसको पित्ताशय कहते हैं जहाँ पे पित्त का भंडारण होता है, जो लीवर है उसको यकृत कहते हैं, पेनक्रियाज को अग्नाशय और छोटी आंत को शुद्रांत्र और बड़ी आंत को बृहद्रांत्र और एनस को गुदा द्वार। तो इस तरीके से फूड है वो अलग अलग पार्ट से होता हुआ
गुदा द्वार तक पहुंचता है। अब वन बाय वन बात करते हैं कि माउथ में जैसे ही फूड जाता है तो माउथ का फंक्शन क्या है, मुंह क्या करते हैं। वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, साथ ही जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दूसरा आती है लार ग्रंथी, स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवा क्या करता है, जो फूड है उसको गीला कर देता है, लुब्रिकेंट कर देता है, और अमाइलेज जो एंजाइम्स होते हैं ग्लैंड्स के अंदर वो डाइजेस्ट करते हैं पॉलीसेक्राइड्स, और फूड हमें जब हम चीव करते हैं उसको अच्छे से तो वो हमें मीठा लगने लग जाता है। उसके बाद हमारे फेरनिक्स में ये स्वेलो हो जाता है, निगलना शुरू करते हैं हम खाने को, एंड देन जैसे ही निगलते हैं वो फूड पाइप में चला जाता है फूड, उसके बाद सीधा वो हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। और अमाशय का काम क्या का है, वो स्टोर करता है और फूड को चर्न करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देता है। और जो पेप्सिन है, जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन का पाचक है एंजाइम पेप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक्टिवेट करता है, उसका काम क्या है HCl का, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि डाइजेशन हो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, और वो ब्रेकअप करता है फूड को। और साथ ही उसका कार्य है इट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स, जो कीटाणु हमारे शरीर में भोजन के साथ चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं, उसको मारने में हेल्प करता है। और स्टमक वॉल पर एक म्यूकस है, श्लेष्मा है, वो स्त्रावण को रोकती है और साथ साथ लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर होता है। स्टमक से पहले हमारे तीन सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर, गॉल ब्लैडर एंड देन पेनक्रियाज। ये तीन का काम क्या है, ये जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि पाचन में हेल्प करते हैं। तो लीवर की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। यकृत क्या कार्य करता है, यकृत क्या करता है कि जितने भी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भोजन में आए हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, बिल्डअप करने में हेल्प करता है, साथ ही ये विटामिन और आयरन को भी स्टोर करता है, और जितनी भी पुरानी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और पॉइजन्स जो पॉइजनस चीज़ है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और साथ ही डाइजेशन के लिए बाइल जूस सिक्रेट करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है लीवर के नीचे पित्ताशय, ये पित्त का भंडारण करता है, जो बाइल जूस लीवर ने सिक्रेट किया वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर और कॉन्सेंट्रेट करता है उसको, वहाँ पर सांद्रित करता है इसको। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशिक रस का स्त्रावण करता है अग्नाशय, और प्रोटीन के पाचन के अंदर इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और जो वसा है उसका भी मलसिकरण करने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम है, वो पेनक्रियाज के अंदर हेल्प करता है। और जो एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो पेनक्रियाज का ये कार्य था। उसके बाद जो भोजन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ वो सीधा छोटी आंत में जाता है, और पचा हुआ भोजन आंत की भीति में अवशोषित कर लेते हैं छोटी आंत में, और जो शूद्रांत है उसका आंतरिक जो अस्तर है वो उंगली जैसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं उसके, जिसको हम विलय कहते हैं या दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम का सतह आप देखोगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है इसका, जो कि अवशोषण में हेल्प करते हैं, और इसमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो ब्लड सेल्स जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड करने में हेल्प करती हैं, और इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या नए उत्कों का जैसे निर्माण करना है वहाँ पर, और पुराने उत्कों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। फिर जितना बिना पचा हुआ भोजन होता है छोटी आंत में वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और उसके अंदर जो दीर्घ रोम होते हैं इस पदार्थ में जो एक्स्ट्रा जल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अन्य पदार्थ हैं जो सॉलिड फॉर्म में है उसको स्टोर करके बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि रेक्टम के द्वारा। और रेक्टम क्या करते हैं, जो फेसेस हैं या जो अन्य पदार्थ हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको स्टोर करता है, और जो एनस गुदा द्वार है उसके द्वारा उसको बाहर फेसेस को निकाल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, पहला प्रोसेस हमने पढ़ा मानव पाचन तंत्र, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा जो प्रोसेस है इस चैप्टर के अंदर, सर्वशन। सर्वशन क्या है, जब भी फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जब भी हम खाना खाते हैं, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा खाना खाते हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फूड जैसे ऑक्सीडाइज होता है तो हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है,
जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और श्वसन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। पहला है ब्रीदिंग, जो कि हम सांस लेना या छोड़ना कहते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल्स के अंदर कोशिकाओं में किस तरह का श्वसन होता है और वहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है या अभाव है ऑक्सीजन का। तो वो दो तरह से डिवाइडेड है, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं आगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में इनहेलेशन प्रोसेस होता कैसे है। जैसे हवा, हमारे दो पार्ट है बॉडी के जहाँ से हवा एंटर करती है, वन इज़ द नोज, अदर इज़ द माउथ। हमें हमेशा मुंह बंद रखना चाहिए और सांस हमें नाक से लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बाल जो होते हैं वो एयर को फिल्टर करके हमारे बॉडी में भेजते हैं, फरेनिक्स और लेरेनिक्स में भेजते हैं, और फिर वो ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से उपास्थि वाला जिसको हम कहते हैं। फिर उसके अंदर फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर लेफ्ट राइट फुफ्फुस है, फिर ब्रोंचियलीज हैं, फाइनली वो एंटर कर जाते हैं कूपिकाओं में, और कूपिकाएँ जो एयर से हमें ऑक्सीजन मिली उसको एब्जॉर्ब करते हुए ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देते हैं, और जिसके द्वारा वो ब्लड कैपिलरीज हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो दोबारा से कूपिकाओं में आ जाता है और दोबारा वो लंग्स के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये इनहेलेशन प्रोसेस है वो कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो श्वसन है उसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है वायवीय श्वसन। जब भी ग्लूकोज, जो भी हमने फूड खाया है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो स्प्लिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स वो सिक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं ग्लूकोज से। तो मैक्सिमम एनर्जी हमारी वायवीय श्वसन में उत्पन्न होती है और अवायवीय में कम होती है। अवायवीय वायु की उपस्थिति और अभाव में होता है, अनुपस्थिति और अभाव में होता है। पहला, जब वायु की अनुपस्थिति होती है तो यीस्ट के अंदर जो इथेनॉल बनता है, शराब बनाई जाती है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन प्रोसेस भी कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और दो ATP। ATP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऊर्जा का स्रोत है जो कोशिकाओं में पेशों के सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या तंत्रिका वेग का संचरण करने के लिए उपयोगी होता है। और ये एक बैटरी की तरह कार्य करता है। जैसे किसी सर्किट में बैटरी का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, चाहे वो किसी भी रूप में बदले, इसी तरीके से ATP हमारे शरीर में कोशिकाओं का संश्लेषण या उसकी मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन का बिल्कुल ही अभाव की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है, जब कम होती है ऑक्सीजन, अभाव होता है, अनुपस्थित नहीं होती है, अभाव होता है, मतलब है ऑक्सीजन लेकिन कम है, तो हमारे शरीर में जो कभी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बॉडी पार्ट्स दुखने लग जाते हैं। तो उसका कारण है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के अभाव में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और श्वसन हमारा कम्प्लीट नहीं हो पाता, और इस तरीके से लैक्टिक एसिड ही क्रैम का कारण होता है। नेक्स्ट हम इसमें अंतर देख लेते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में। पहला जो वायवीय श्वसन है, जैसे कि इसका नाम है, वायु की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा जो वायवीय श्वसन है वो हमेशा कोशिका के कौन से भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं जिसको हम, लेकिन अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो वायवीय श्वसन है वो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के कारण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन या उपचयन नहीं हो पाता। उसके बाद जो इनमें उत्पाद उत्पन्न होते हैं वायवीय श्वसन के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, जो हमने पीछे एक्सरसाइज में देखा। और साथ ही वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है जो वायवीय हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स पे लेबल करना आता है, उसके पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले है नाक, नोस्ट्रिल्स, नासा द्वार। नासा द्वार वो पार्ट है हमारे श्वसन तंत्र का जहाँ से हवा हमारी बॉडी में एंटर करती है,
और इसके अंदर नेजल कैविटी होती है जो हवा को प्योरीफाई करती है और हवा को ह्यूमिडिटीफाई भी करती है, मतलब उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिड कर देती है उसको। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ओरल कैविटी, जहाँ पर एयर और फूड दोनों एक साथ एंटर करते हैं ओरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट आता है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स वो पार्ट है हमारे माउथ का जहाँ से एयर वेज में जाती है, एयर वाली जो पाइप है उसके अंदर एंटर करती है। और उससे एंटर करने से पहले लेरिनिक्स और फेरेनिक्स के बीच में एक अलग पार्ट है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि फूड को एयर वेज में एंटर करने से प्रिवेंट करता है, ताकि हवा वाले नली में फूड है वो ना जाए, क्योंकि ओरल कैविटी उसके साथ कनेक्टेड होती है साथ में। उसके बाद आता है कंठ, लेरिनिक्स, जहाँ पर एयर पास होती है वहाँ पर स्पीच का प्रोडक्शन भी होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट आता है लेरिनिक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है उपास्थि वलय। उपास्थि वलय का कार्य क्या है, ये एयर को चैनलाइज करती है लेफ्ट और राइट फुफ्फुस के अंदर, और साथ ही जब एयर अंदर जा रही है एयर बाहर जा रही है उसके वॉल्यूम को भी फिक्स करने में भी हेल्प करती है। उसके बाद लेफ्ट राइट है, ब्रॉन्चस हैं, फुफ्फुस हैं, वो राइट है तो राइट लंग में हवा जाएगी अलाउ करेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद बाहर पसलियाँ होती हैं, पसलियों का काम क्या है, हमारे श्वसन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। उसके बाद ब्रॉन्चस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर श्वसनिकाएँ हैं, और वो श्वसनिकाओं का कार्य क्या है, वो जो हवा उनको फुफ्फुस से एयर जो अंदर गई उसको कोशिकाओं तक पहुँचाना। और एल्वोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूल जाती है, जैसे हवा आती है फेफड़े फूल जाते हैं हमारे, तो एल्वोलाई क्या है, वो साइट है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी से। फेफड़ों ने शुद्ध किया ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, और वो ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर वो है स्प्रेड करने में, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करती है, और जो यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, एंड देन यूज्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा ही बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस। नेक्स्ट आता है कि एनिमल प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है। मल्टी सेलुलर में आपने देखा, अब कुछ एनिमल सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनमें अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फंक्शंस है। जैसे आप देख रहे हो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की जो स्किन है अगर वो गीली है मॉइस्ट है तभी एयर उसके अंदर जाएगी और वो सांस ले पाएगा। इसी तरीके से अमीबा है, वो एक यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो विसरण होता है वो सिर्फ बॉडी के सरफेस पे ही होता है और वहीं से उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। इंसेक्ट आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसके स्प्रेकल्स होते हैं, ये लाइन से जो दिख रही है ग्रे कलर की, इस लाइन के अंदर आपको पैटर्न दिख रहे हैं, यहीं से ये सांस लेता है। उसके बाद फिश है, वो गिल्स के द्वारा लेती है। और फिश का कारण क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो गिल्स हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, श्वसन ध्वनि है वो जलीय जीवों में ज़्यादा होती है लेकिन स्थलियों में कम होती है, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बार बार उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा तेज़ी से कार्य करना पड़ता है। और कैसे गिल्स कार्य करते हैं, जैसे फिश अपना मुँह खोलती है पानी अंदर जाता है, पानी के प्रेशर से गिल्स, पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो गिल्स के द्वारा ब्लड स्ट्रीम्स में पहुँचती है और इस तरीके से वो सर्वाइव करती हैं जलीय जीव। और इसी तरीके से प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनमें जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो तीन तरीके से होता है, पहला है पत्तों के द्वारा, या वुडी जो स्टेम होती है उसके द्वारा, या रूट्स के द्वारा, तीन हिस्सों में ही सब्सक्रिप्शन है वो पॉसिबल है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।